हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो कंप्यूटर शब्दावली का पार्ट 5 आपके सामने हाजिर है। लास्ट वीडियो है और शब्दावली के कुछ 8, 10, 12 ही शब्द बचे हैं। 10 से 1 मिनट की बात है, तो फटाफट से इनको देख लेते हैं अपन। इसके बाद अपना जो कंप्यूटर का एक जनरल वीडियो है उसका चल रही है तैयारी। बहुत जल्द प्रयास करूंगा मैं कि 2-3 दिन में आपके समक्ष आ जाए, ताकि बेहतर तरीके से आप कंप्यूटर को है जो पढ़ना समझना शुरू कर दें। जो भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम हैं और जिनमें सिलेबस हैं, उनके लिए तो वो एकदम शानदार काम होने वाला है। शुरुआत करते हैं अपन इसकी। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। मामला यही है, कुल मिला के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह जैसी, मतलब जो भी व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ये कुल मिला के ओवरऑल कहलाते हैं सोशल मीडिया। यानी कि जो समाज के लोग हैं वो चलाते हैं, अपन सभी, मतलब मैं भी यूज करता हूँ, आप लोग सब चलाते हैं, यूट्यूब तो चला ही रहे हैं अभी, तो ये एक तरीके का सोशल मीडिया है। और क्या बात है इसमें, तो लोगों के बीच खबरें पहुंचती हैं। जैसे आप कोई फोटो डालते हैं, नीचे लिखते हैं किंग ओ ऐसे ऐसे, तो वो लोग देखते हैं और वो समाज को पता चल जाती है बातें, तो सोशल मीडिया। आगे है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर और जो ये शब्द हैं उनको अपने को ऐसे समझना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉमन अंतर तो ये होता है कि हार्डवेयर को छू सकते हैं अपन, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। तो जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐप होता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता है सॉफ्टवेयर, जो ऐसे प्रोग्राम कुल मिला के जो अपन कोई भी काम करते हैं उसको आसान बना देते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी, तो यहाँ पर स्टार का मतलब तो जानते हैं आप, इस तरह की कोई जो आकृति बनाते हैं, कभी आपने बनाई भी होगी। वाह, तो ये एक स्टार बन गया। और इसका जो स्टार, मतलब इसकी जो आकृति है वो तो है टोपोलॉजी, और आकृति कैसी है, स्टार के जैसी है, तो स्टार टोपोलॉजी। बस नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये। अगला शब्द है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसमें नेटवर्क शब्द आ गया। नेटवर्क का मतलब हो गया जो स्टार है उसके बीच में कोई एक कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर है जो सारे के सारे कंप्यूटर है उनको जोड़ के उनके साथ संवाद कर रहा है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। आगे सेल्फी, सेल्फी के बारे में खूब जानते हैं आप बहुत अच्छे से। सेल्फी का मतलब होता है खुद के द्वारा खींची गई तस्वीर, और फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, वो सारी चीजें आप जानते ही हैं, तो ठीक है, सेल्फी तो जानते हैं आप। सॉफ्टवेयर बग, कोई सॉफ्टवेयर बनाया आपने, उसमें कोई कमी रह गई, तो अब आप उसको ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मेरे सॉफ्टवेयर में खोट रह गया, तो उसको टेक्निकल भाषा में आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बग कहते हैं, कमी, खोट। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का मतलब हो गया नॉर्मल कंप्यूटर से जो थोड़ा फास्ट काम करता है वो सुपर कंप्यूटर है, और इसमें खूब सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और ये तुरंत से कोई भी काम, आपको कोई भी गणना करनी है तो आप मतलब फटाफट से रिजल्ट बता देता है ये, या जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेता है, उसको आप सुपर कंप्यूटर कहते हैं। फिर आगे टोपोलॉजी शब्द आ गया है, अभी हम बात कर रहे थे जस्ट, तो टोपोलॉजी का मतलब उसकी, यहां नहीं दे रखा है, उसकी आकृति कैसी है कुल मिला के, ये रहा, इसकी आकृति या लेआउट किस तरह का है, उसकी जो संरचना है वो एक तरीके से टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे हमने अभी देखा था स्टार, स्टार के जैसा है तो स्टार टोपोलॉजी। फिर ये टोरेंट है, तो टोरेंट का मतलब यही हो गया एक तरीके से, जैसे कोई आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, अब आपको डॉट टोरेंट लिखा हुआ वहां मिल जाएगा। अब मूल रूप से वो फाइल तो डाउनलोड नहीं हो रही है, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि ये फाइल कितनी डाउनलोड हुई है, एक तरीके से ये ट्रैक करेगा उसको कि फाइल का जो कितने MB का डाउनलोड हो चुका है, कितने का बाकी है, कितना समय लगेगा, तो उसको अपन एक तरीके से टोरेंट कह सकते हैं। इसमें आगे थोड़ी सी डिटेल बिल्कुल और दे रखी है, देखते हैं इसको क्या है। और ये एक ट्रेकर फाइल होती है, बस ये शब्द आपको ध्यान रखना, टोरेंट मतलब ट्रेकर, टी से टी को याद रख लेना बस यहाँ पर। और खुद पूरी डाउनलोड फाइल नहीं होती है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट टोरेंट होता है, और वो अपने को बताती है कि भाई वो फाइल कहाँ तक डाउनलोड हो गई है मेन। फिर टोर ब्राउजर, तो कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ ऐसे यूट्यूब हो, चाहे आप मतलब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको विज्ञापन मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी पहचान सामने वाले को पता चल रही है जहां आप सर्च कर रहे हैं वहां। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चले कि मैंने क्या सर्च किया है, क्या किया है, तो उसके लिए टोर ब्राउजर होता है जिसमें आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं, तो टोर ब्राउजर यानी पहचान छिपा कर ब्राउज करना, सर्च करना।
फिर ये TCP/IP बहुत महत्वपूर्ण है आपको, मतलब ये एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, साथ ही साथ इसका काम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो TCP का तो हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जब फाइल साझा हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। उसको नियंत्रित करने का जो प्रोटोकॉल है वो TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट के माध्यम से है तो वो एक तरीके से इंटरनेट प्रोटोकॉल। बस ये दो तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और बात क्या है TCP की, जो भूमिका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, वो है डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटना। ये काम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और IP का काम होता है ये पैकेट है उनको लक्षित स्थल का पता अंकित करना, बताना उनको कि कहाँ पहुंचना है इसको। ये बात 5 मिनट में ही अपना जो ये पार्ट, मतलब पांचवा भाग है कंप्यूटर शब्दावली का, उसको हमने पूरा कर लिया। वैसे काफी सरलतम शब्द है ये, चीज कल भी हो सकती थी लेकिन कोई कारण था इसका जिस कारण ये वीडियो आज बनाना पड़ा। अगला जो वीडियो है हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें जो जनरल है, बिल्कुल किसी ने कभी कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई आप कंपटीशन भी दे रहे हैं तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ आपको 60 से 70% तक के क्वेश्चन है वो केवल एक ही उस वीडियो से मिलेंगे आपको। तो उस वीडियो का आपको इंतजार करना है। और ये जो शब्दावली है इसको एक बार, अगर आप नोट्स तो आपके पास होंगे होंगे, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने टेलीग्राम का जो लिंक चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके सर्च करके मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर बेस्ड नोट्स, ऐसे सर्च करना आप, वहां पर ये PDF फाइल मिल जाएगी और उसकी सहायता से एक आध बार रिवाइज भी कर लेना। आगे फिर नेटवर्किंग वगैरह भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कंप्यूटर में, जैसे अपने को MS Word, MS Excel वगैरह पढ़ना है तो, और उससे पहले एक कंप्यूटर का जनरल वाला जो वीडियो है उसकी कोशिश करेंगे अपन। तो आज के लिए तो बस इतनी सी बातें थी, धन्यवाद आपका। और इससे पहले वाला जो वीडियो है बहुत ही कम विद्यार्थियों ने देखा, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर देखते हैं तो आपको फायदा हो सकता है उससे। ऐसे घबराए नहीं कि कहाँ कंप्यूटर में पढ़ना नहीं है या ऐसे ही पास हो जाएंगे, अब आधुनिक जमाने में कंप्यूटर का बहुत यूज है, आपको चीजें सीखनी चाहिए। अगर परीक्षा में यूज आएगी और परीक्षा से भी आगे आप अगर बात करना चाहे तो जीवन में भी ये चीजें काम आने वाली हैं। तो ओके, धन्यवाद आपका यहां तक देखने के लिए।